स्वप्न को स्वप्न जान लेना मोक्ष है और स्वप्न को सच मान लेना बंधन है। समझ लग रही जो मैं कह रही हूं? देखो आज आप सबको हम मुक्त करके भेजेंगे। इसे यूं समझें, जब आप कहते हो मैं, तो उस मैं में आप शरीर को शामिल कर लेते हो, ये मैं हूँ। अच्छा, जब आप कहते हो ये मैं हूँ, तो जब ऐसे आप हाथ लगाते हो तो तुम छाती हो, सिर हो, पैर हो, हाथ हो, पूरा शरीर हो, क्या हो तुम? अच्छा, जब कोई मर जाता है तो ये सब बोलते हैं उस समय कि भाई उसका तो शरीर खत्म हो गया और वो तो जी चला गया यहाँ से। जो चला गया रिश्तेदार वो था, जो शरीर सामने है मरा हुआ तुम्हारा रिश्तेदार वो था या वो है? कौन है रिश्तेदार आपका? ये बड़ी अजीब कहानी है। माँ पिता भाई बहन बेटा बेटी पोता पोती कोई होवे, जब एक दफे उसका शरीर मर गया तो कोई उसको घर में नहीं रखता, उसे फूंक आते कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये सच अगर मरने वाले का है तो क्या यही सच आपका नहीं है? जीते जी भी आप अभी शरीर नहीं है। अब ये बात समझ ही नहीं आती, अरे मैं ही तो हूं, ये भूख मुझे ही तो लगती, प्यास मुझे ही तो लगती, बेटा बेटी माँ बाप मेरे ही तो हैं। तो संत की सभा में गए तो संत सिखाते हैं कि ना, ये देह तू नहीं है। इस देह में जो आँख कान नाक ये जो श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं ये तुम नहीं हो। भाई शरीर में जो मन है, जो सोच विचार करता है, दुखी सुखी होता है, ये मन तुम नहीं हो। और ये जो सोचती समझती है बुद्धि, ये तुम नहीं हो। तो अच्छा जी फिर मैं कौन हूं? तो कहा तुम आत्मस्वरूप हो। कई लोग कहते कि हमारे अंदर जो आत्मा है ना, मुझे उसे जानना है। हमारे अंदर जो आत्मा है हमें उसे जानना है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, ये आपकी हम कहां खत्म होती है और आत्मा कहां से शुरू होती? चलो ये तो दूर की बात है, थोड़ा और नजदीक ले आती हूं। आप कहते हो मेरा मन दुखी है या मेरा मन सुखी, ऐसा महसूस तो सब करते हैं। तो जो मन दुखी सुखी होता है वो कहां खत्म होता है और शरीर कहां से शुरू होता है? जैसे हाथ की ये उंगली यहाँ है, यहाँ दूसरी आ गई, यहाँ तीसरी आ गई, यहाँ चौथी आ गई, ये बीच का उसका गैप आ गया। तो यहाँ ये गैप है तो ये तीसरी उंगली है, गैप है ना बीच में। तो शरीर और मन में कोई गैप है या नहीं है? कहाँ से मन खत्म हुआ, कहाँ से शरीर शुरू हुआ, ये विचारने का विषय है। मन क्या है ये जानने का विषय है। मन और शरीर में क्या भेद है यह भी जानने का विषय है। पर एक बात पक्की है, अगर आप ये विचार करने लग गए तो आप ये पाएंगे, ना शरीर तुम हो ना मन तुम हो। गहरी नींद में ना पता चलता है शरीर कहाँ है, ना पता चलता है मन कहाँ है, लेकिन फिर भी आप कहते हो मैं बड़े सुख से सोया, मुझे कुछ खबर नहीं रही। किसी का हाथ कट जाए एक्सीडेंटली तो भी वो जीवित है, मैं हूं का एहसास उसको रहेगा या नहीं रहेगा? किसी का पैर कट जाए तो भी मैं हूं की फीलिंग रहेगी कि नहीं रहेगी? अच्छा, किसी को पैरालिसिस हो गया, मैंने देखे किसी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के बाद ये गर्दन के नीचे का पूरा शरीर मृत जैसा है, वो कोई मूवमेंट हाथ पैर की नहीं कर सकते, तो उनके अंदर मैं हूं की फीलिंग है या नहीं? उनके अंदर भी पूरी होती। और
आप कोई लंबी बेहोशी में होए, जैसे मैं पढ़ रही थी एक केस इंग्लैंड में, एक व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चले गए और 12 साल तक वो कोमा में ही रहे। घर वाले कभी महीने में एक दिन, फिर धीरे धीरे 2 महीने में, फिर धीरे धीरे 6 महीने में कभी आते, फीस भर जाते। वहाँ तो खैर गवर्नमेंट ख्याल करती है, खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, तो घर वाले सिर्फ विजिट ही करते थे। 12 वर्ष की कोमा के बाद एक दिन वो अचानक होश में आ गए, आफ्टर 12 ईयर्स। देखिए जिंदगी बड़ी अजब ड्रामा है ये। वो बंदा घर से बाहर निकला था और एक छोटे से एक्सीडेंट में चोट दिमाग में लग गई, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, बेहोश हो गया, फिर कोमा में चला गया। तो जीवित है शरीर, हार्ट चल रहा है, रक्त चल रहा है, पल्स है, सब है। उसे वाया लिक्विड डाइट उसको इंट्रावीनस देते रहे। 12 वर्ष बाद वो जब होश में आया तब वो पूछता है कि अच्छा कौन सा दिन है, कौन सा साल है। और जब ये उसे बताया गया कि तुम 12 साल बाद जगे हो और परिवार में, मैंने जो बच्चा उसका 6 साल का था, 12 वर्ष में वो 6 साल का थोड़ी, वो तो हो गया जवान 18 का। पत्नी ने ये सोच के कि अभी इसे होश नहीं आने वाली, उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब जब उससे खबर दी कि आपके पति देव जाग गए हैं तो सबके धर्म संकट हो गए। बच्चे नए बाप को बाप मानने लग गए। अस्पताल वाला बाप तो पेपर में बाप रह गया था। तो शरीर में दिमाग नहीं चल रहा है, चल रहा है क्योंकि उसमें कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस न्यूरोलॉजिस्ट ने करी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि दिमाग का एक हिस्सा जगा है लेकिन चेतना लुप्त है, और चेतना लुप्त है इसलिए उसका बाहर का जो फिजिकल और इंद्रियक जो मूवमेंट होती वो बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, लेकिन कहीं कुछ जाग रहा है, चेतना का एक हिस्सा जाग रहा है। ये शरीर का दिमाग, ये आपका मन या आपकी इंद्रियां, ये सब ना हो तो भी तुम हो। तो हमारा होना शरीर पर आश्रित नहीं है। शरीर के माध्यम से हम काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, शरीर के माध्यम से हमारी फंक्शनिंग इंद्रियक होती है, पर ये मैं हूं नहीं। जैसे आप कार में आए, अभी कार बाहर छोड़ दिया, आप अंदर आ गए, साधन है। ऐसे ये शरीर साधन है, किस लिए? आत्मज्ञान के लिए, मैं कौन हूं ये जानने समझने के लिए। जैसे कार को आप अलग छोड़ाए, ऐसे ही ये शरीर तुम्हारा एक कार है, मन इसका इंजन है, बुद्धि इसका मीटर है जो बताता है अब भूख लगी, अब नींद आई, अब प्यास लगी, अब सोना है, अब मन दुखी है, मन सुखी है। ये आपकी बुद्धि बताती है, पर गहरी नींद में बुद्धि काम नहीं करती, मन काम नहीं करता, शरीर का कुछ पता नहीं होता। लेकिन शरीर मन बुद्धि के ना कार्य करने पर भी मैं रहता हूँ। एक बहुत सुंदर दूसरा शब्द है, ये शब्द बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर देता है, बहुत सी चीज़ों को हमें क्लियर कर देगा। मैं थोड़ा सा ये इसको लेती हूँ मैं। कौन मुआ रे कौन मुआ
बिचारा ए तो चलत भया कौन मुवारे कौन मुआ कौन मुवारे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचार ए तो चलत भया कौन ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी होई ये रोबन हारे की कौन थे कौन मुवारे कौन मुआ कौन मुवारे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा ए तो चलत भया कौन मुआरे कौन मुआ अगली किछ खबर न पाई रोवन हार भी ऊठ सिदाई परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंद कौन मुआरे कौन मुआ कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा ए तो चलत भया कौन मुआरे कौन मुआ कौन मुआरे कौन मुआ ए तो रचन रचया कर तार आवत जावत हुक्म अपार न को मुआ न मरने जोग न बिन से अविनाशी हो जानो सोए नाही जानन हारे को बल जाओ कहो नानक गुर परम छुकाया ना कोई मरे नया वे जाया कौन मुआरे कौन मुआ कौन मुआरे शरीर में जो पवन है वायु है वो बाहर वायु में मिली जब शरीर जलाया और प्राण जो निकला तो बाहर महाप्राण में मिला है ज्योति में ज्योतरल जाया। इस शरीर में जो आत्म ज्योति है सो कहाँ गई? बोले वो ज्योति में ही गई। अब जब आत्म ज्योति न समझ हुए तो ब्रह्म ज्योति की समझ नहीं लगेगी। मेरे को याद है एक महिला संत थी उनका नाम था आत्मज्योति।
तो उन्होंने उन्हीं एक दिन बैठे एक देवी आई तो वो कहती है मुझे, मैंने आप हमेशा कहते हो ना आत्म ज्योति को जानो, मैंने जान लिया। मैं अच्छा, कहती हाँ मैं उन्हें मिल के आ रही हूँ। अरे भाई वो संतनी का नाम है स्वामी आत्म ज्योति। हम कह रहे आपने आप को देख तो वो बाहर कोई देखने जा रहे, ये बड़ा चक्कर है अंदर की बात। लोग कहते बाहर देख लो, कोई लाल रंग की बत्ती जगा देता है कहते ये है आत्म ज्योति। हम सब यहीं से आए हैं, कहाँ से आए हैं? बोले दूर वहाँ एक लोग कहे हम सब वहाँ से आत्माएं आई हैं और एक दिन वहीं चली जाएंगी। और यहाँ गुरु अर्जन देव कह रहे हैं कोई कहीं से नहीं आया है और कोई कहीं नहीं जाएगा, यही है सब। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे आपका मन अभी अमेरिका के बारे में सोच ले, चांद के बारे में सोच ले, मार्स के बारे में सोच ले, तो आप क्या फिजिकली उठ के वहाँ जाते हैं या सिर्फ मन में ख्याल ही है जो एक बन जाता है? गए थोड़ी कहीं पर। तो आपका मन सारी माया आपको दिखा देता है। इसी मन के आधार में जो चेतन स्वरूप है सो तुम हो। हाँ, जैसे इस समय जो आपने कपड़े पहने हो आपके शरीर के ऊपर है, शरीर ढक गया कपड़ा दिखता है, ऐसे ही तुम आत्मस्वरूप ढक गए मन दिखता है शरीर दिखता है, पर तुम देह नहीं मन नहीं, इस शरीर में चलते पंच प्राण नहीं। तो आत्म विचार करिए, इसको कहते आत्म विचार और यही को ब्रह्म ज्ञान विचार भी कहते। गुरुदेव कहते हैं माटी माटी होई एक, मिट्टी मिट्टी में मिल गई रोवण हारे की कौन टेक। तू किसको रोता है प्यारे? मिट्टी यहीं पे, पवन यहीं पे, हवा यहीं पे, आग यहीं पे, तू किसको रोए? अच्छा वो कहते जो इसके अंदर था ना हम उसको रोते, जो शरीर के अंदर था ना हम उसको रोते। कहते अच्छा वो बताओ फिर वो मरने वाला कहाँ गया? कह रहे पता नहीं। तो अगली किच खबर ना पाई, मरने वाला कहाँ गया पता नहीं। कोई कहता है पंडित जी से पूजा कराई, कराने से पहले ही कार्ड छपाते उस पर लिखते स्वर्गीय श्री रामलाल अग्रवाल। आपको कैसे पता है वो नारकीय नहीं है? हैं, हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम कि वो स्वर्ग में ही गए? क्या स्वर्ग का कोई ट्रायल देखा है आपने? नहीं देखा। नरक? नहीं देखा। पर कहते हैं जी हमारे आज तक बड़े बड़े जितने मरे सबका स्वर्गीय लिखा, इसलिए पिताजी का भी स्वर्गीय लिख दिया। लिखना चाहिए, वी डोंट नो वो कहाँ गए। आप यहाँ जितने बैठे हैं ना, अगर मेरी बात समझ लगी तो आपके घर में अगर कोई मर जाए तो हिम्मत रखिएगा, वो जो श्रद्धांजलि का कार्ड छपता है ना वाइट कार्ड ऑन काली स्याही के साथ, पता नहीं ये भी स्टैंडर्ड है एक पंजाबियों का खास करके, दिल्ली वालों का सफ़ेद कार्ड पे शादी का कार्ड बनाएंगे गोल्डन सिल्वर, मर जावे कोई तो इतना सा कार्ड काले रंग की स्याही से लिखा हुआ। भाई शादी इतने शान शौकत से करते हो, मरो भी शान शौकत से, क्या दिक्कत हो गई? कार्ड अच्छा छपाया करो, पर उस पर ये लिखना हमें ये नहीं पता वो कहाँ गए, वी डोंट नो। हाउ कैन यू से झूठ बोलते हो भाई? तुम हमारे स्वर्गीय माताजी स्वर्गीय पिताजी सबको स्वर्ग पहुंचा दिया। स्वर्ग अगर सब स्वर्ग गए हैं ना तो वो तो नर्क हो चुका होगा अभी तक। मैंने सुना एक माता ने करवा चौथ का रखा व्रत, शाम को करी चंद्रमा की पूजा, व्रत तोड़ा, पति के पैर छूती है, छू के कहती स्वामी सदा इन चरणों के साथ जुड़ी रहूं, जहाँ रो वहाँ भी मैं तेरे साथ ही रहूं, तू मर के स्वर्ग जावे तो मैं वहाँ भी जाऊं। पति कहते हैं भगवान कम से कम वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहीं तक ठीक है। पत्नी कहती कुछ बोला? नहीं 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 मैं तो कुछ भी नहीं बोला। क्यों? बोल दिया तो नरक का एक सेकंड सैंपल तो यही हो जाएगा।
हम नहीं जानते वो कहाँ गया। वैसे isn't it strange that you don't know, don't you want to know where will you go when the body dies? ऐसा समझो आप बाहर रोड में चले अशोक विहार में और आपको कोई आपका परिचित मिल जाए, आप उससे पूछो अरे कहाँ जा रहे हो, कहीं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, बोले ठीक तो हो, बोले पता नहीं ठीक हूँ कि नहीं, बोले घर वालों को पता है तुम यहाँ हो, बोले पता नहीं घर कहाँ है, तो आप कहोगे भाई इसका तो दिमाग खराब हो गया, इसका हाथ पकड़ के उसको घर ले जाओगे या पागलखाने ले जाओगे? ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। इस जन्म से पहले आप कहाँ थे, आप क्या कहेंगे? हाँ पत्नी। अच्छा मरोगे तो कहाँ जाओगे, क्या कहोगे? पत्नी। इसलिए तो यह मैंने पागलखाना खोला। और यहाँ गुरुदेव की दी गई, गुरु की दी गई वाणी के माध्यम से ये दवाई दे रहे हैं आपको कि जानो, पहली पाठ ये, पहली बात ये कि तुम शरीर नहीं हो, आज भी ये शरीर तुमसे अलग है, ये बाहर की पवन अंदर जाती है, तुम इसे श्वास कहते हो, अंदर का श्वास बाहर जाता है, वो वही वायु है। पंच तत्व का ये शरीर, मन इंद्रियां बुद्धि इसमें है, और इसमें ये जो मैं कर रही ज्योत है, इस मैं ज्योत को पहचानिए। जब मैं ज्योत कहती हूँ तो वो दिवे वाली ज्योति मत समझने लेना कि कहीं तुम कल्पना से सोचो कि हम तो ज्योति हैं, ना, ज्योत माने चैतन्य, कॉन्शियस बीइंग। जड़ नहीं हो तुम, शरीर जड़ है, मन जड़ है, इंद्रियां जड़ है, तुम जड़ नहीं हो। गुरुदेव कहते हैं जाने वाले का पता नहीं, अगली किस खबर न पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई, रो रो के थक जाएंगे सब, उठ के चले जाएंगे, परम मोह के बांधे बंध, बंधन बंध गए इसके भर्म की वजह से, इसलिए अंधा हो गया, और सुपन पया पखलावे अंध, जैसे सपने में कोई बड़बड़ाता है ऐसे ये अंधा बड़बड़ा रहा है कि हाय मेरा बाप मर गया मर गया मर गया, उसे यही नहीं पता मौत है क्या, कौन मरा है, शरीर मरा है, प्राण मरे हैं, मन मरा है, बुद्धि मरी है, कि इसके अंदर जो चेतन आत्मा था वो मरा है, मरा कौन है ये कुछ नहीं पता, बस वो जो शरीर है उसके ना हिलने जुलने पर चला गया, मर गया, दूर हो गया। तो बोले ये भ्रमित है, इस भ्रम को तोड़ो। भ्रम कैसे तोड़े, तो गुरुदेव उसका भी राह देते हैं, जो ये जानो हो सोए नहे, जो तुम अपने आप को मानते हो जानते हो वो तुम नहीं हो, और जानन हारे को बल जाओ, इस शरीर इस मन इस बुद्धि को जो जानता है, बोले मैं उसके बलिहारे जाता हूँ, जो इस शरीर मन बुद्धि को जानता है ये जानने वाला साक्षी है, उसी को हम साक्षी कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम शुद्धात्मा कहते हैं, उसी को सरल भाषा में हम मैं कह सकते हैं, तो मैं साक्षी स्वरूप हूँ। तो कहो नानक गुर परम सुखाया, ना कोई मरे ना आवे जाया, मेरे गुरु ने ये मेरा भ्रम तोड़ दिया है, ना कोई मरा है ना कोई आया है ना कोई जाएगा। जैसे एक कहानी कहती हूँ, एक राजा के कोई औलाद नहीं थी, कई शादियाँ करी फिर भी औलाद नहीं, फाइनली औलाद एक हुई, और वो कोई 8-1 वर्ष का था, तो बाकी सब जो सौतेली रानियाँ माइयाँ थीं उनने गुस्से में आके उसको जहर दे दिया, बच्चा बीमार हो गया जबरदस्त। राजा बैठ के सिराने बच्चे के रोए, कई रातें जागा हुआ था, बच्चे का हाथ पकड़े पकड़े सो गया, सोया तो सपना क्या आया, सपना ये आया कि वो बहुत बड़े देश का राजा है और उसके 100 पुत्र है, एक नहीं 100,
हट्टे कट्टे जवान हैंडसम। फिर दुश्मन युद्ध कर देते हैं, हमला हो जाता है, युद्ध शुरू हुआ तो दूसरे दिन खबर आई कि तुम्हारे 20 बेटे मर गए, तीसरे दिन खबर आई 30 बेटे मर गए, चौथे दिन खबर आई 20 और मर गए, और फिर खबर आई कि जो बाकी बचे थे वो भी मर गए, कोई नहीं बचा। और फिर एक एक करके 100 पुत्रों की लाशें वो देखता है अपने सामने, और वो राजा रोता है कि मेरे 100 जवान शेर पुत्र मर गए। इधर उसका बीमार बेटा मर गया, तो बाप ने को कोई खबर नहीं कि उसका बेटा मर चुका है। वो सपने में जो 100 लड़के मर गए हैं ना, वो उनको रो रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसको हिलाया, जागो जागो, उठो, देखो हमारा लाल नहीं रहा, हमारा बेटा नहीं रहा। तो राजा एकदम एकदम घबरा के उठा और देखता है तो समझ नहीं आई कुछ देर के, ये क्या, वो 100 लड़के की लाशें कहाँ गई और ये सामने एक बच्चे की लाश कहाँ से आ गई।